Hi everyone, welcome to the channels of KV Teachers Guide by NCERT. Students, today we will discuss the class 4 EPS chapter entire workbook solutions APC, the world in my home. Today we will discuss the class 4 EPS chapter, the world in my home. So students, parents and teachers, if you are new, I would like to request you, please subscribe the channels, click the bell icons, isko like kar dijiye, share kar dijiye, dost aur colleagues ko bhi, so immediately basis se notification will reach to you whenever you upload new video. So let's start the world in my home. Summary of the lessons. There is a quarrel in Mariette's family about who is programmed to watch over TV. There is quarrel. Ek quarrel ho raha hai Mariette family mein about who is program leke to watch over TV. TV ka program leke kuch कंटिन्यूटे हो रहे हैं. प्रतिभा इज हरिंग होम. प्रतिभा बहुत हरी है अभी. फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम एज इट इज 7 o'clock. अभी 7 बज गया. प्रतिभा तो उसका दोस्त से घर से वो अभी आ रहा है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी है. इन द इवनिंग बट उसका भाई अभी भी खेल रहा है. इवन इफ दे आर लेट फिर भी अगर रात हो जाए या देर हो जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोबडी विल स्कोल्ड देम मतलब कोई उसको कुछ नहीं बोलता है. ये बेसिकली सोसाइटी का नियम हो गया. अभी थोड़ा कम हो गया मगर इसके पहले बहुत स्ट्रिक्ट था. गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच जो बेसिकली डिस्टिंग्विश होता है, जो डिफ्रेंशिएट करके चलता है, तो ऐसा ही है. अगर थोड़ा शाम हो गया तो गर्ल को कुछ स्कोल्ड करेगा, कुछ बात सुनना पड़ेगा, मगर बॉयज़ का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी भी चलता रहता है. ये लिखे बेसिकली दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू. पिल्लू आंटी टूक फाली नजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच एंड बॉट देम आइस कोल्ड कुल्फी. कुल्फी सेलर इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फॉर सेवन, कुल्फी सेलर क्या किया, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फॉर सेवन, सात को चार्जिंग किया करने के टाइम में बाई मिस्टेक चार्ज फॉर 5 कुल्फी. 7 के जगह में 5 चार्ज किया. पिल्लू आंटी पेड द करेक्ट अमाउंट फॉर 7 कुल्फी टू हिम. मगर पिल्लू आंटी क्या किया, 7 कुल्फी का प्राइस पैसा दे दिया. अक्षय ग्रैंड मदर क्या किया, ऑलवेज टेल्स हिम, उसको बोलते हैं नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट हिज फ्रेंड अमित हाउस का पानी नहीं पीना है. धोंडू चाहता है टू स्टार्ट हिज न्यू वर्क, नया काम शुरू करना चाहता है. फॉर व्हिच, जिस कारण से उसको पैसा लगेगा. बट हिज एल्डर अंकल, बट उसका बड़ा चाचू हु लुक्स आफ्टर द मनी मैटर ऑफ द फैमिली इज नॉट विलिंग टू एग्री टू दिस. मगर उसको जो बड़ा चाचू है तो वो देना नहीं चाहता है. ठीक है, जो पैसा बेसिकली फैमिली मैटर में पैसा का देखभाल करता है वो नहीं चाहता है. रितु अभी अफ्रेड है और मीनस अंकल को जो टच करता है उसको उससे अभी अफ्रेड है. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई इज देयर ए क्वारल इन मारियतीज फैमिली किस लिए क्वारल हो रहा है. देखो देयर, यहाँ पे सेंटेंस ठीक नहीं, ए प्रेजेंट इंटरव्यू ने प्रेजेंट टेंस में बोला है, मगर यहाँ पे जो आंसर लिखा है ये पास्ट टेंस में दिया है, तो टेंस ठीक नहीं, आपको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा. देयर इज ए क्वारल इन मारियतीज फैमिली फॉर वॉचिंग टीवी. फर्स्ट लाइन में देखो आप समरी में, प्रोग्राम टू वॉचिंग अवर टीवी. सेकेंड, व्हाट डज प्रतिभा थिंक इज नॉट फेयर. प्रतिभा थिंक इट इज नॉट फेयर बिकॉज सी वॉन्ट्स टू नो व्हाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर. ये सोसाइटी के, मैं आपको अभी भी बोल रहा था, ये सोसाइटी का एक नियम है, मगर ये ठीक नहीं है. जो बॉयज़ के लिए एक रूल्स होगा, गर्ल्स के लिए रूल्स होगा, ऐसा नहीं है. थोड़ा लेट हो जाए तो गर्ल्स की इतना बात सुनना पड़ता है, मगर बॉयज़ को कुछ सुनना नहीं पड़ता है. बॉयज़ खाना ज़्यादा देता है, गर्ल्स का ज़्यादा कम देता है. ये सब बहुत सारे कारण होता है बेसिकली. बट पेरेंट्स लोग ये थोड़ा अवेयर होना चाहिए, बच्चों के बीच ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है. ठीक है ना. व्हाट डिड फाली नजू एंड हर फ्रेंड्स डू ऑन द बीच. बीच में क्या किया है सब मिलके. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जाइंट व्हील. After that, they ate velpuri and bought balloons. Then everybody enjoyed some ice and cold kulfi. Okay. Next page. Children thought that they will save some money. How?
because the kulfi seller charged for 5 kulfis instead of 7. So that's why children thought that they will save some money. Theek hai? What did Akshay's grandmother warn him? Akshay's grandmother warned him never eat or drink anything from Anil's house. What did Dhandu wants to do? Dhandu kya karna chahta tha? Why he could not do it? Kis liye nahi kar paya? Dhandu wanted to borrow some money from a bank and buy a chakki machine. चाकी मशीन खरीदना चाहता है बट हिज एल्डर अंकल डिड नॉट एग्री विथ हिम, बट उसका जो बड़ा चाचू है वो पैसा देने के लिए ना कर रहे। रितु डज नॉट वांट, रितु नहीं चाहती है टू गो टू मीनाज हाउस। व्हाई? बिकॉज रितु डज नॉट लाइक मीनाज अंकल व्हेन ही वाज एट होम। रितु डिड नॉट लाइक टू गो, ठीक है, इसको उसको टच पसंद नहीं करती है, अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेसिकली रितु डज नॉट वांट टू गो टू मीनाज हाउस when she is absent. ठीक है, fill in the blanks. Maritri's family had to watch the death match. It will be football match. Okay. Pratibha is hurrying home from her death house. It will be friend house. She thinks it is unfair that there are death rules for girls and boys. It will be different rules for girls and boys. Pillu auntie took the children to the death. Pillu auntie took the children to the beach. It will be beach. Kulfi seller made a dash. Kulfi seller made a mistake. That's why he charged basically for 5 kulfis. But the children have taken for 7 kulfis. That's why Pillu auntie kya kiya? 7 kulfi ka paisa hi de diya. Jo do bhul gaya tha seller, unko usko bhi paisa de diya tha. चिल्ड्रेन जब 5 रुपये का पैसा लिया, चिल्ड्रेन क्या सोचा था? चिल्ड्रेन सोचा था दैट दे विल सेव सम मनी, बट ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यह पे कुछ डिफरेंट टाइप्स का ओपिनियन, डिफरेंट टाइप्स का मैटर लेके इस चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको चैप्टर के पढ़ो, उसके बाद इसको मीनिंग समझने की कोशिश करो जी, इसको क्या मीनिंग है। टीचर्स और पेरेंट्स लोग से गाइड ले लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद आप वर्कबुक करोगे, हम लोग जो इसको वर्कबुक एकदम सॉल्यूशन करके आपको प्रिंटेबल पोजिशन में दे रहा है, इसको नोट कर लो, नहीं तो प्रिंट आउट कर लो, जो भी है जो अच्छा लगे। तो ये आपको गाइड करेगा, एग्जाम के टाइम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन गेट वन गुड मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट। अनिल इज अक्षय्स फ्रेंड, इट विल बी फ्रेंड। अनिल ऑफर्ड अक्षय्स ए dash of water, it will be a glass of water. Suddenly Akshay remembered his grandmother's warning, it will be grandmother's warning. Dhandu wanted to buy a chakki to grind grain. Chakki basically khareedna chahta hai to grind grain ko grind karne ke liye. Meena's uncle was saying that bring your friend Ritu and I'll give you a lot of chocolates. Give reason. Maritri's family was quarreling. Why? For watching over TV. TV लेके TV में प्रोग्राम हो रहा है, ये एक प्रोग्राम देखेगा, वो प्रोग्राम देखना चाहता है, दैट्स वाई इट्स मेक्स नॉइज। प्रतिभा वॉज हारिंग होम, प्रतिभा किस लिए हारिंग है? बिकॉज एवरीबॉडी स्कोल्ड हिम व्हेन शी वॉज लेट, बिकॉज गर्ल है, 7 बज गया शाम को, इसलिए थोड़ा हरी है, जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहती है। Children will always remember that Pillu auntie did that day. Pillu auntie paid the money for 7 kulfi to the kulfi seller instead of 5 kulfi. Because 5 क्या किया था सेलर ने, 5 kulfi का पैसा चार्ज किया था 7 को जगह में, इसलिए वो दे दिया। Akshay did not drink water at his house. Why? Because grandmother of Akshay warned him not to drink water at Anil's house. इसलिए basically वो पानी नहीं पीना चाहता है। आई विल नॉट कम टू योर हाउस, रितु सेड एंड वेंट होम। इट विल बी बिकॉज रितु डज नॉट लाइक मीना अंकल एट ऑल, हिज टच एंड हिज प्रेजेंस डिड नॉट फील हैप्पी, दैट्स व्हाई ही शी इज सेइंग आई विल नॉट कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारा घर नहीं जाऊंगा। रितु सेड एंड वेंट होम, उसके बाद से घर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी पेज। Write an incident when there is a quarrel at your house over TV or something else. लेके आपको आपको घर में नॉइज हो सकता है, भाई के साथ बहन के साथ, और आपको लिखने के लिए बोला।
डू यू थिंक इट इज़ राइट टू हैव अ डिफरेंट रूल? गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंट रूल नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग को मिटाना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये थोड़ा कसास होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। व्हेयर यू स्टॉप फ्रॉम प्लेइंग विथ सर्टेन चिल्ड्रेन हु वेयर दे, ठीक है, आप लोग इसको कीजिएगा। राइट द टचेज दैट यू फील, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा टचेस हो सकते हैं जो आप लाइक करोगे, जो आप डिसलाइक करोगे, ठीक है, वहाँ पे लिख रहे हो। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन रीड इट आउट। एक्टिविटी पेज बेसिकली इट्स आपको जो टीचर्स होंगे वो आपको दे देंगे। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीज है जो आपको वेस्ट मटेरियल से बनाना पड़ेगा, कुछ पैराग्राफ्स को ड्राइंग करना पड़ेगा, आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको जब टीचर देंगे आपको क्लास में, वो आपको करके कंप्लीट करना है। तो दिस इज द इंटर सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, होपफुली यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। तो इसको ठीक तरह से पढ़ाई कर लेना, उसके बाद हम लोग वर्कशीट का सोल्यूशन भी दे देंगे। NCERT के पब्लिश का जो वर्कशीट है उसका फुल सोल्यूशन आपको दे देंगे। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन आंसर जो है, तो मॉडल क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिया ऑलरेडी, वेरी सून वी विल अपलोड इन दिस चैनल। सो आप उसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होता है, मॉडल क्वेश्चन मतलब चैप्टर में NCERT छोड़ के चैप्टर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल वर्ड्स, कुछ रिजम्बलेंस, कार्ड से एक पिक्चर दे सकते हैं, पिक्चर से कर सकते हैं उसको। लैंग्वेजेस जो होगा, ग्रामेटिकल पोर्शन जो होगा, वो भी हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं। तो इंस्टेंटली हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएंगे, ठीक है बच्चों। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, सो यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसको जितना जल्दी संभव इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर ऐसा वीडियो आप लोग पसंद करेंगे तो डेफिनेट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो वी विल अपलोड न्यू वीडियोज ऑन योर चैप्टर्स, डिफरेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट, वर्कबुक्स एक्सेट्रा। इट विल वेरी गुड फॉर यू एंड यू कैन गेट डेफिनेटली इजिली, यू कैन गेट ऑन गुड मार्क्स ऑन योर एग्जामिनेशंस। अभी 4-5 महीने अभी बाकी है, सो यू प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जाम। सो यू फॉलो दिस थिंग्स, आई थिंक दैट यू कैन गेट ऑन गुड मार्क्स। एनी वे थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग, ओके, थैंक्स लॉट, एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो सेशन वेरी सून, ठीक है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। Keep smiling. Have a good day.